बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम फंक्शन देखेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, और उसे सिमुलेट करेंगे लॉजिक सिम के ऊपर, साथ में उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी देखेंगे। हमें पता है ये बेसिक गेट से मिलके बनता है, एंड और नॉट गेट से, तो उसे भी हम बना के देखेंगे और सिमुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल जो है हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट का फंक्शन देख लेते हैं। ये आपको गेट नज़र आ रहा होगा, मैंने ले लिया, और के लेबल भी लगा देते हैं इसके ऊपर, एक्स नॉट। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि एक्स नॉट गेट है हमारा। ठीक है भाई, इसका फंक्शन देख लेते हैं। दो इनपुट ले लेते हैं, इनपुट हम यहां से ले लेंगे। ये जो है मैंने पहला इनपुट लिया, क्योंकि नीचे एक और सर्किट बनाना है इसलिए मैं इधर रख रहा हूँ, और इस इनपुट को हम नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, और एक और इनपुट ले लेते हैं हम बी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है दो इनपुट आ गए। इसका जरा हम फंक्शन देख लेते हैं, अगर ये इनपुट में लगा दूं तो ये आ गया, ये भी आ गया। आउटपुट पिन ले लेते हैं हम। ठीक है, जो तो सिमिलर इनपुट है हम जो है इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि आउटपुट हाई आ रहा है, और अगर अनसिमिलर इनपुट है तो आउटपुट जीरो आ रहा है। ज़्यादा अच्छे से नज़र आए तो मैं एलईडी भी ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर फंक्शन पता चलता रहे। एलईडीज ले लेते हैं। पोजीशन चेंज कर देते हैं, वेस्ट से ईस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, तो हम जब सिमिलर इनपुट दे रहे हैं, 1 1 दिया आउटपुट 1 आया, और जब हम सिमिलर इनपुट नहीं दे रहे जैसे 0 1 दिया तो जो है आउटपुट आप देख रहे हैं कि चेंज हो गया। 0 0 दिया तो आउटपुट हाई हो गया, सही है। और जहां हमने डिससिमिलर इनपुट दिए तो ये ऑन नहीं हो रहा। एक्सक्लूसिव और पे क्या होता था कि हम डिससिमिलर इनपुट अगर देते थे तो वो हाई होता था। अच्छा, अब इसका साथ में हम इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लेते। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके का होता है कि हमने दो स्टेट देखे, या तो ये जब दोनों इनपुट हाई हैं तब ऑन हो रहा है, या जब ये दोनों इनपुट लो है तब ये ऑन हो रहा है। इक्वेशन में भी इसी तरीके से बता रहे हैं, या तो दोनों इनपुट हाई होने चाहिए या दोनों इनपुट लो होने चाहिए तभी ये हाई होगा। तो हम जरा बना लेते हैं इसको। तो इसके लिए हमें जो है पहले दो एंड गेट ले लेते हैं हम। ठीक है, एंड गेट हम ले लेते हैं यहाँ, एंड गेट सही है। साइज इसका वाइट कर देते हैं, हमारा हो गया एंड गेट। ठीक है, एक एंड गेट हमें और चाहिए होगा, वो भी ले लेते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं दोबारा से।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक और एंड गेट आ गया, और इसके आगे हमने देखा है कि और गेट हमें चाहिए होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसके आगे हम एक और गेट भी ले लेते हैं। ये आ गया हमारा और गेट, कंट्रोल 8 प्रेस करके भी आपके पास डायरेक्ट ये आ सकता है। सही भाई, तो इसको भी जो है हम इसका साइज थोड़ा वाइड कर देते हैं ताकि क्लियर आपको नज़र आए। वैसे लेबल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे ख्याल में हमें क्लियर है कि कौन सा सिंबल किस गेट का है, तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं लेबल नहीं किया करूँगा। अच्छा, एक और टेक्निक मैंने बताई थी कि हम नॉट गेट यूज़ करो, उससे बेहतर क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप इनपुट को ही निगेट कर दें, यानी अगर जो है मैं ये दोनों इनपुट, दोनों बबल लग गया, इसका मतलब यही हो रहा है कि इनपुट जो है एंड गेट के अंदर जाने से पहले इन्वर्ट होके जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पूरे को बनाने से बेहतर है कि इन दो नॉट गेट की जगह मैं सिर्फ यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बबल लगा दूँ तो भी बात एक ही होगी, तो वही मैंने किया। ठीक है भाई, तो अब ज़रा जो है हम दोनों इनपुट को मिला देते हैं। रेड लाइन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने अभी कोई इनपुट नहीं दिया है, आउटपुट के लिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इनपुट नहीं दिया। अब क्या करना है, हमने ए पहला इनपुट है हमारा, इधर से कनेक्ट कर दिया, बी दूसरा इनपुट है, सही है। अच्छा, ये हमने दोबारा, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट गेट यानी बबल लगा ही दिया है, तो हम दोबारा से ए और बी को ही सिंपल कनेक्ट कर देंगे यहाँ से लाके। तो ये ए पूरा या आ रहा है हमारे पास, तो ए हम यहाँ से ही ले लेते हैं और ये हमने कनेक्ट कर दिया, इसी तरीके से बी हमने ले लिया। और तो असल में जो यहाँ पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ आएगी वो ए बार बी बार होगी, ये समझने की बात है। चाहे तो हम ये लिख भी सकते हैं, मैं अगर टैग सेट कर दूँ। सही, तो इसमें बार का ऑप्शन नहीं होता, तो मैं ए डॉट बी यहाँ हम लिख देते हैं। सही है, इसी तरीके से अब इसको चेंज कर देते हैं, एफएसट्रॉफी यूज कर लेता हूँ मैं, ताकि इसे आप बाहर समझें कि ये इसको हम यहाँ प्लेस कर। दोबारा से कर लेते हैं इसको टैक्स को, कि हम इधर ऐड करना है हमने ए बी, ये हमने कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने एडिट करना है साथ में के ठीक है भाई। तो ये जो है बेसिकली ए बी है, और ये ए बी बार इसके अंदर ए बार बी बार जा रहा है और हो रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो है एक्स नॉर हो गया हमारा, और ये बेसिकली एक्स नॉर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जो कि एंड गेट नॉट गेट और गेट से मिलके बना है। तो हम इसे चेक कर लें, तो जब हम अनसिमिलर इनपुट दे रहे हैं 0 1 दे रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे दोनों ही ऑफ हो रहे हैं, और जहां हम सेम इनपुट कर रहे हैं ये ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, और जो है इसकी वर्किंग यही होती है कि ये सेम इनपुट पे हाई देता है और अनसेम इनपुट पे ये लो देता है। थैंक यू वेरी मच।